आप सब कुछ अपने साथ लेके बैठे ठीक है ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो स्टार्ट करते हैं एक ही वीडियो में सारे के सारे सॉल्यूशंस को कवर अप करेंगे फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड ठीक है सारी एक्सरसाइजेस देख लेंगे क्वेश्चन आंसर सब कुछ ठीक है स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर वन मार्क टी फॉर टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स ट्रू फॉल्स है फर्स्ट है द फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड इज मच मोर देन दैट प्रजेंट इन द रिवर्स एंड द लेक्स ऑफ द वर्ल्ड जो फ्रेश वाटर है जो कि ग्राउंड में स्टोर है ठीक है वो क्या है ज़्यादा है ठीक है वो ज़्यादा है किससे जो कि प्रजेंट है रिवर्स और लेक्स में वर्ल्ड के सो दैट इज ट्रू ये क्या है ट्रू नेक्स्ट है वाटर शॉर्टेज इज़ अ प्रॉब्लम फेस्ड ओनली बाई द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज क्या पानी की कमी या पानी की कटौती सुना होगा आपने शॉर्टेज ठीक है वो जो प्रॉब्लम है क्या वो सिर्फ रूरल रूरल मतलब होता है गांव में रहने वाले लोगों को ही ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो नहीं ये अर्बन एरियाज के लोगों को भी और रूरल एरियाज के लोगों को भी दोनों को ही ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा नेक्स्ट इज वाटर फ्रॉम रिवर्स इज द ओनली सोर्स फॉर इरीगेशन इन द फील्ड्स अच्छा जो रिवर्स से वाटर आता है क्या सिर्फ उनसे ही आप पौधों में पानी डाल सकते हो पौधों तक जो फील्ड हैं वहाँ तक पानी पहुँचा सकते हो सो ये बिल्कुल फॉल्स है और भी कई सारे तरीके हैं ठीक है जैसे रेन हो गया उसके अलावा ट्यूब वेल्स हैं या और भी कई सारे मतलब हम क्या कर सकते हैं सोर्सेज से वाटर को फिल तक पहुंचा सकते हैं ठीक है आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं कई सारे ठीक है रेन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर क्या जो रेन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर है सो दैट इज फॉल्स ओके okay. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्या पूछ रहा है एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड ग्राउंड वाटर इज़ रिचार्ज रिचार्ज क्या होता है जैसे फ़ोन में रिचार्ज होता है ना एक बार का जो रिचार्ज आपका खत्म हो जाता है तो फिर से आप आ, उसको चार्ज करते हो ठीक है ताकि जो वैलिडिटी है चाहे वो इंटरनेट की है चाहे कॉल्स की है वो फिर से आपकी स्टार्ट हो जाए तो वैसे ही उस अगर वो पानी देखो ग्राउंड में वाटर है तो ऐसे तो है नहीं कि वो पानी ख़त्म होता होगा या यूज़ होता होगा तो फिर से वहाँ पर पानी कैसे आ रहा है ये आपको बताना है ग्राउंड वाटर में ठीक है मतलब ज़मीन के अंदर ठीक है का जो वाटर है ग्राउंड का जो वाटर है देखिए ये है आंसर नंबर सेकेंड कि द ग्राउंड वाटर गेट्स रिचार्ज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन मतलब कि जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है किस प्रोसेस से इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस से इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है क्या करना सीपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स इनटू एम्प्टी स्पेसेस एंड क्रैक्स डीप डाउन बिलो क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड क्या करना इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है वाटर जो है कहाँ से रिवर्स और लेक्स से लेक से उनको कहाँ पर एंटी स्पेसिस में ठीक है और जो क्रैक्स होते हैं ग्राउंड के अंदर वहाँ पर सीप करना ठीक है तो ये था आपका आंसर नंबर थर्ड सॉरी सेकेंड अब आते हैं आंसर नंबर थर्ड पे दैट इज देयर आर टेन ट्यूब वेल्स इन अ लेन ठीक है लेन में एक लेन में एक गली में आपका क्या है टेन ट्यूब वेल्स हैं ठीक है ठीके? कितने फिफ्टी हाउसेस के पचास घरों के कितने टेन ट्यूबवेल्स व्हाट कुड बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द वाटर टेबल वाटर टेबल पे क्या फर्क पड़ेगा बाद में ठीक है ये आपको बताना है ओके सो आंसर नंबर थर्ड पे आ जाते हैं देखिए ये है आपका आंसर नंबर थर्ड ओके द इफेक्ट ऑन द वाटर टेबल डिपेंड्स ऑन रिप्लेनिशमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड वाटर ठीक है

क्या है ना अभी आप अगर आपने ढंग से क्वेश्चन पढ़ा होगा तो वहां पे क्या बोल रहा है टेन ट्यूबवेल्स है और कितनी फैमिलीज है फिफ्टी अगर आप डिवाइड करके देखो इनमें तो मतलब क्या हो रहा है लगभग फाइव फैमिलीज हैं जो वो शेयर कर रही होगी एक ट्यूबवेल को ठीक है एक ट्यूबवेल के पानी को कौन यूज़ कर रहा है फाइव फैमिलीज यूज़ कर रही है ठीक है मतलब अपने घर के कामों के लिए उससे तो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा वाटर टेबल पे बट क्या होगा बाय चांस ऐसा होता है कि बारिश नहीं हो रही है ठीक है जहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वाटर है फैमिली से वो देखो एक तरीके से हम उसको यूज़ कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं बट क्या हो रहा है कि दूसरी साइड से जो वाटर है वो दोबारा से वहाँ पर आ ही नहीं रहा है तो जिसकी वजह से क्या होगा जब कमी हो जाएगी ना इन द सेंस तब जाके वहाँ पर इम्पेक्ट पड़ेगा वरना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर ठीक है यू हैव बीन आज टू मेंटेन अ गार्डन हाउ विल यू मिनिमाइज़ द यूज ऑफ वाटर क्या है कि आपको बोला गया है एक गार्डन आपको बनाना है और उसमें आप पानी का इस्तेमाल कम कैसे करोगे ठीक है तो मिनिमाइज मतलब होता है कम से कम पानी का यूज़ कैसे करोगे तो हम क्या करेंगे आंसर नंबर फोर देख सकते हो आप हम क्या कर सकते हैं हम रिड्यूस कर सकते हैं यूजेज ऑफ वाटर से जो कि गार्डनिंग में यूज़ हो रहा था कैसे ड्रिप इरिगेशन मेथड को यूज़ करके ड्रिप इरिगेशन मेथड में क्या होता है ना ऐसे पाइप्स को ले डाउन किया जाता है ग्राउंड में जैसे कहीं आपका प्लांट है तो पाइप्स को आपका ले डाउन किया जाता है और उन पर होल्स किए जाते हैं ठीक है थीके? उन उनपे होल्स होते हैं छोटे 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 उन होल्स के थ्रू क्या होता है वाटर बाहर आता रहता है और प्लांट को सिर्फ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर जितना उसको चाहिए ठीक है वो प्रोवाइड होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि वाटर का शॉर्टेज नहीं होगा ठीक है क्यों नहीं होगा कि कम वाटर यूज़ किया जाएगा और इरिगेशन भी प्रॉपरली हो जाता है ठीक है तो जो वाटर है वो रीच करेगा रूट्स डायरेक्टली रूट्स uh, पे जाएगा ड्रॉप बाय ड्रॉप एक ड्रॉप दो ड्रॉप ऐसे करके जिसकी वजह से क्या होगा वेस्टेज ऑफ वाटर कम हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं आंसर नंबर फिफ्थ क्या पूछ रहा है एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लिटेशन ऑफ वाटर टेबल वाटर टेबल के डिप्लेट होने का क्या क्या कारण है क्या क्या फैक्टर्स हैं ये आपको बताना है ठीक है तो हम डिस्कस करते हैं वॉट आर द फैक्टर्स तो देखिए ये आंसर थोड़ा लेंदी है इसलिए आपको ढंग से समझना है पहले क्या करो सबसे तो पहले पॉइंट्स देखो मैंने कितने पॉइंट्स बनाए हैं वन टू थ्री फोर फोर पॉइंट्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं पहला पॉइंट क्या है इंक्रीज पॉपुलेशन पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से इंडस्ट्रीज़ के बढ़ने की वजह से लैक ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड टेक्निक्स पानी को का जो बचाव है पानी को बचा कम रहे हैं और यूज़ ज़्यादा है ठीक है नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इन फैक्टर्स की वजह से वाटर टेबल जो है वो डिप्लीट हो रही है ठीक है so सो पहला फैक्टर जो है इंक्रीज पॉपुलेशन इसको थोड़ा सा आ, हम क्या करते हैं ओके okay. आप एक बात बताओ किसी भी चीज़ की कमी कब होगी ठीक है अब क्या है आ, कोई भी चीज़ है उसको यूज़ करने वाले लोग तो ज़्यादा हैं ठीक है ठीके? और उसकी जो अमाउंट है वो कम है अब जाके क्या होता है किसी चीज़ को इफ़ेक्ट पड़ता है है ना तो वैसे यहाँ पर क्या है कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है ठीक है डिमांड तो बढ़ती बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है ठीक है और पर क्या है जो कंजप्शन है अब देखो डिमांड बढ़ेगी ना तो क्या बढ़ेगा कंजप्शन भी बढ़ जाएगा ठीक है डिमांड बढ़ रही है कंजप्शन भी बढ़ रहा है ठीक है डिमांड और कंजप्शन क्या हो रहा है देखो देखो मैंने क्या क्या बोला पहले डिमांड बढ़ रही है डिमांड की वजह से क्या बढ़ रहा है कंजप्शन बढ़ रहा है मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ठीक है ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा आपका वाटर यूज़ होगा जिसकी वजह से क्या है अब ज़्यादा यूज़ है और क्या है एवेबलिटी उतनी नहीं है अगर तो क्या होगा इसकी वजह से इफेक्ट पड़ेगा ठीक है उतना अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़ आपको पता है जितनी भी इंडस्ट्रीज लगती हैं जहाँ कुछ भी बन रहा है ठीक है वहाँ पर क्या है वाटर की रिक्वायरमेंट है वाटर चाहिए ही चाहिए अब क्या है ह्यूमन पॉपुलेशन भी बढ़ रही है ठीक है जनसंख्या भी बढ़ रही है और जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी बढ़ रही हैं तो जिसकी वजह से कंजप्शन ऑफ वाटर बढ़ रहा है आपको ये याद रखना है कि लास्ट में बढ़ क्या रहा है कंजप्शन ठीक है डिमांड बढ़ रही है कंजप्शन बढ़ रही है और जब डिमांड और सप्लाई आपको पता है ना जब वो दोनों बैलेंस नहीं हो पाते हैं तब जाके किसी चीज़ की कमी आती है ठीक है या वो चीज़ एक्सेस में होती है या कमी आती है ठीक है तो वही यहां पर देख सकते हो आप यहाँ पे भी वही हो रहा है नेक्स्ट इज लैक ऑफ वाटर कंजर्वेशन techniques। हम क्या कर रहे हैं पानी को यूज तो कर रहे हैं पर बचा कोई नहीं रहा है ना देखा जाए तो मेन सोर्स ऑफ वाटर जो है अर्थ पे वो क्या है फॉर द अंडरग्राउंड वाटर इज क्या है रेन ठीक है तो जो वाटर है वो क्या हो रहा है देखिए जो वाटर है रेन का अगर हम उसको कंजर्व करते हैं ठीक है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा ठीक है पर हम लोग क्या नहीं करते वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक को हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं उनका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैंने बोला ना वही डिमांड और सप्लाई है वो दो वर्ड्स आपको याद रखने वो एक तरीके से बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है वाटर जो टेबल है वो डिप्लेट हो रही है ठीक है नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ तो इंडिया आपको पता है बहुत ज़्यादा डिपेंड है किसपे एग्रीकल्चरल पर ठीक है तो जो लैंड है कल्टिवेशन की वो बढ़ी है ठीक है तो हमें पता है जो कंजम्पशन ऑफ वाटर है एग्रीकल्चर के वो बढ़ जाते हैं अगर क्या हो रहा है लैंड ज़्यादा यूज़ हो रही है तो उतना ही आपको क्या चाहिए पानी भी चाहिए है ना अब देखो अगर बारिश नहीं होती है इरेगुलर रेन्स मतलब रेगुलरली रेन्स नहीं आ रही है बारिश नहीं हो रही है ठीक है इरेगुलर रेन्स जिसकी वजह से क्या हो रहा है अब देखो रेन तो कम आ रही है पर जरूरत तो उतनी है ना है ना तो जरूरत ज्यादा है डिमांड तो है ज्यादा पर सप्लाई ज्यादा नहीं है तो क्या हो रहा है कि इरेगुलर रेन हो रही है जिसकी वजह से कंजप्शन ऑफ जो ग्राउंड वाटर है वो क्या गया है बढ़ बढ़ चुका है और जिसकी वजह से क्या हो चुका है जो ग्राउंड वाटर लेयर है ठीक है जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो क्या हो रही है डिप्लेट होती जा रही है ओके तो ये आपके फैक्टर्स थे सबसे अच्छा तरीका है याद करने का सबसे पहले मेमोराइज करो पॉइंट्स को कि क्या क्या पॉइंट्स हो गए इंक्रीज पॉपुलेशन इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज लैक ऑफ वाटर कंजर्वेशन टेक्नीस और लास्ट क्या है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज चार पॉइंट्स को याद कर दिया फिर उनके बारे में उनके जो डिस्क्रिप्शन है उसको थोड़ा थोड़ा करके आपने अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो इसको ही मिनिमाइज़ करके भी लिख सकते हो पर ये चार फैक्टर्स आपको मेनली याद रखने हैं अगर सिर्फ नाम लिखने को बोलेगा तो सिर्फ चार फैक्टर्स के नाम लिख देना अगर ये टू मार्क्स थ्री मार्क्स फाइव मार्क्स में आता है तो आप इसको थोड़ा डिटेल uh, में भी लिख सकते हो ठीक है ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात थी बट वैसे आपको पता होना चाहिए किन फैक्टर्स की वजह से आपको

Uh, क्या क्या पहली फॉर्म आइस दूसरी वाटर तीसरी फॉर्म वेपर जो आइस वाटर है द वाटर बेयरिंग लेयर ऑफ द अर्थ वो लेयर जिसमें क्या होता है वाटर होता है उसे क्या बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं ठीक है फोर्थ है द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपिंग इन टू ग्राउंड इज कॉल्ड जिस प्रोसेस से वाटर कहाँ जाता है ग्राउंड में जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन ओके नेक्स्ट आ जाते हैं सेवन विच वन ऑफ द फलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज इनमें से कौन सी चीज़ है जो वाटर शॉर्टेज के लिए पानी की कमी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो देखो रैपिड ग्रोथ ऑफ़ इंडस्ट्रीज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज अब भी हमने पढ़ा कि ये फैक्टर्स तो क्या रहे water, uh, कर रहे हैं वाटर डिप्लिटेशन कर रहे हैं ना वाटर टेबल का तो हैवी रेनफॉल अगर बारिश ज्यादा हो रही है तो उससे पानी की कमी कहां से हो जाएगी ना इसीलिए थर्ड पॉइंट रेनफॉल नेक्स्ट चूज़ द करेक्ट ऑप्शन द टोटल वाटर जो टोटल वाटर है वो क्या है दैट इज इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन है तो फोर्थ वाला जो कि है द टोटल वाटर ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थ क्वेश्चन है मेक अ स्केच शोइंग ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल एंड लेबल इट ओके बुक में ही आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा ठीक है कहाँ पर मिलेगा वो मैं बताती हूँ अच्छे से डायग्राम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ओके okay. सो so, आप देख सकते हो यहाँ पर ये देखो ये जो फिगर है इसको सेम टू सेम आपने अपने कॉपी uh, नोटबुक में या जहां पर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पर ड्रॉ करना है ठीक है आपको सबसे पहले ऐसे क्लाउड्स बनाने हैं ट्रीज uh, बनाने हैं मेक श्योर सबसे पहले आपको इसको एक ड्राइंग जैसा नहीं बनाना है क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट तो हो नहीं रहा है ना तो आपको क्या करना है पहले प्रॉपर्ली uh, एक बार ड्रा करना है उसके बाद लेबल करना सबसे इम्पोर्टेंट है देखो अब लेबल क्या क्या करना है वो भी बता देते हैं ठीक है लेबल आपको क्या क्या करना है सबसे पहले देखो आप uh, एक बार इरेज भी कर दूंगी पर देखो पहले अभी ये क्लाउड्स बनाए आपने जैसे क्लाउड्स के बाद यहाँ पे एरोज शो हो रहे हैं ना ये वाले एयरोज आपको ये एरोज पक्का बनाने हैं ठीक है एरोज से मतलब वाटर यहाँ आ रहा है नीचे कहाँ वाटर टेबल पे अब देखो यहाँ वाटर टेबल ये वाटर टेबल है यहाँ से क्या हो रहा है पानी अब हैंड पंप लगाए हैं ये देख सकते हो है? आप हैंड पंप है हैंड पंप से ये वाटर बाहर आ रहा है जो यूज़ कर रहे हैं लोग ठीक है फिर यहाँ नीचे क्या है एकविफायर है ठीक है ये सारी चीज़ें आपको मतलब मेक श्योर करनी है कि ये आप वहाँ पर मेंशन करो यहाँ पर ट्रीज़ बनाए उसके बाद ये वाटर कहाँ स्टीम स्ट्रीम और लेक में जा रहा है ठीक है इसको पूरा आपको और नीचे क्या है ग्राउंड वाटर है इस तरीके से ड्रॉ करना है आपकी साइंस है तो आपको ड्राइंग के बेसिस पे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे ये है कि क्लियर पता चलना चाहिए कि आप बनाना क्या चाह रहे हो बाकी ये नहीं है कि बिल्कुल आपको आर्ट एंड क्राफ्ट की तरह उसको बनाना है पर ये है कि एक्चुअली जब आप स्केच बनाओ तो क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि आप बनाना क्या चाह रहे हो ओके और सबसे मेन बात क्या है साइंस में दैट इज लेबलिंग आपको लेबल अच्छे से करना है ओके okay? सो so, ये था आपका क्या है ये दिस इज योर आंसर नंबर नाइन ठीक है आंसर नंबर जो नाइन है आपका उसमें आपको इस वाले फिगर को ड्रॉ करना है और अच्छे से उसको लेबल कर लेना है ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक यू एवरीवान